विस्मय जब जागे तो भूलकर भी उसे प्रश्न की सूली पर मत चढ़ाना। जब आश्चर्य विमुक्त हो मन तो चिंता को पास भी न फटकने देना। चिंता जहर है और विस्मय मरा कि धर्म की मृत्यु हो जाती, और चिंता विस्मय की हत्या है। जब चित्त विस्मय विभोर हो, आंखें आंसुओं से भर जाएं, शरीर रोमांचित हो उठे, हृदय गदगद हो, नाचने का मन हो तो नाचना हजारों लाखों करोड़ों तारों के नीचे प्रश्न बनाने की बजाय नाचना ज्यादा सार्थक है। प्रेमी का हृदय हो पास, गुफ्तगू करनी हो तारों से तो दो बात कर लेना, एक गीत गा देना, एक प्रार्थना कर लेना। आकाश की अपूर्व अनुभूति के समक्ष सिर झुका देना कि भूमि पर पड़ जाना, साष्टांग दंडवत कर लेना, पर प्रश्न मत बनाना, मत पूछना क्यों। जैसे ही पूछा क्यों, चूक हो गई, बड़ी चूक हो गई, फिर तीर निशाने पे कभी ना लगेगा। जैसे ही हम पूछते हैं क्यों, जो विस्मय हृदय को आंदोलित कर देता है वह हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा क्यों के जाल में, मस्तिष्क में उलझ जाएगा, क्यों का कांटा उसे मस्तिष्क में अटका लेगा। फिर चिंतन चलेगा, विचार चलेगा, दर्शन शास्त्र का जन्म होगा, मगर धर्म की अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति से ही सत्य के द्वार खुलते, चिंतन विचार सत्य के द्वार खोलने में असमर्थ है। चिंतन विचार की कुंजियां सत्य के द्वार पर पड़े ताले के समक्ष बिल्कुल नपुंसक है। सोचोगे भी तो क्या सोचोगे, जिसे नहीं जानते हो उसे सोचोगे तो कैसे सोचोगे। सोचना तो जुगाली की प्रक्रिया है। भैंस को देखा, घास चर लेती, फिर बैठ जाती, फिर उसे वापस निकाल निकाल के जुगाली करती। जो चर लिया है उसी की जुगाली हो सकती, जो नहीं चरा है उसकी जुगाली नहीं हो सकती। विचार जुगाली है, किताबों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, फिर उसी को बैठ के जुगाली करने लगे। विचार कभी मौलिक नहीं होता, और सत्य सदा मौलिक है। इसलिए विचार और सत्य के रास्ते कभी एक दूसरे को काटते नहीं। जो विचार में पड़ा सत्य से चूक जाता है। जिससे सत्य में जाना हो उसे विचार से सावधान होना होगा। विचार को तो देखते ही सिर उठा रहा है, सावधान हो जाना, सजग हो जाना। विस्मय प्रीतिकर है, विचार घातक है। यह तो उचित है सामुन अली कि तुम्हें करोड़ों तारों को देखकर एक विस्मय जगता है। हठात तुम अवाक रह जाते हो, तुम्हारी आंखें ठगी की ठगी रह जाती कि क्षण भर को जैसे हृदय न धड़कता हो, कि जैसे श्वास अवरुद्ध हो जाती हो। यह तो शुभ है, लेकिन जैसे ही तुमने पूछा क्यों, यह सब किस लिए हुआ, किसने किया, क्या है इसके पीछे कारण, कि तुम चूके, कि तुम रिपटे, कि तुम गिरे सीढ़ी से, कि धर्म से तुम्हारा सांत छूटा, अब तुम्हारा चिंतन दर्शन का होगा। और दर्शन का चिंतन अनिवार्य रूप से विज्ञान के चिंतन में परिणत हो जाता है।
इसलिए जहां जहां दार्शनिक चिंतन ने जड़ जमा ली वहां वहां धर्म नष्ट हो गया, विज्ञान पैदा हुआ। पश्चिम में यही हुआ। लोगों ने पूछा क्यों, किस लिए, कारण क्या है, मूल कारण कहां है। कारण की खोज जल्दी ही विज्ञान बन जाती, और विज्ञान का अर्थ है थोथे में, छिछले में, उथले में जीवन व्यतीत होने लगता है। जीवन की गहराइयां प्रश्नों में बांधे नहीं बंधती, और जितना गहरा सागर हो उतना ही मुट्ठी में नहीं आता। करोड़ करोड़ तारे इनसे बरसती हुई अमृत ज्योति। प्रश्न मत उठाओ, गीत गाओ, और गीत तुम गा सको तो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे ही अंतस से, बिना प्रश्न पूछे उत्तर का आविर्भाव हो जाएगा। और उत्तर भी ऐसा उत्तर नहीं कि जिसे तुम उत्तर कह सको, उत्तर भी ऐसा उत्तर कि जिसमें तुम गीले हो जाओगे, भीग जाओगे, जो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगा, जो केवल बौद्धिकता नहीं होगा बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा बनेगा। तुम पूछते हो क्या ब्रह्मांड में हम अकेले पृथ्वीवासी, जान के भी क्या होगा। अगर अनंत अनंत पृथ्वियों पर भी लोग हों तो क्या होगा। पड़ोसी से तो प्रेम नहीं हो पा रहा है, सामून अली मुसलमान हिंदू को प्रेम नहीं कर पा रहा है, जैन मुसलमान को प्रेम नहीं कर पा रहा है, भारतीय चीनी को प्रेम नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी से प्रेम नहीं हो पा रहा है। दूर तारों पर लोग बसे भी होंगे तो क्या करोगे। अभी पड़ोसी से तो संबंध नहीं जुड़े हमारे। अभी पति तो पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहा है, पत्नी तो पति से प्रेम नहीं कर पा रही। अभी तो प्रेम के नाम पर न मालूम कितने ढंग की राजनीतियां चल रही। अभी तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे पर कब्जे की कोशिश की जा रही। अभी तो भाई भाई का दुश्मन है। अभी तो आदमी आदमी की हत्या के पीछे संलग्न है। अभी इस पृथ्वी से युद्ध अंत नहीं हुए, घृणा अंत नहीं हुई। अभी इस पृथ्वी पर भाईचारा, प्रेम, अभी मैत्री का सूरज यहां नहीं होगा। अगर होंगे भी दूर कहीं चांदारों के पास किन्हीं ग्रह उपग्रहों पर लोग, तो क्या करोगे। मान लो कि है फिर, या मान लो कि नहीं है। इस तरह के परिकाल्पनिक प्रश्नों में उलझकर समय व्यय न करो, क्योंकि यही समय, यही ऊर्जा प्रार्थना बन सकती है। क्यों बना है अस्तित्व, इसका कभी कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो भी उत्तर दिए जाएंगे उन्हीं उत्तरों पर यह प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है। कोई कहे ईश्वर ने बनाया है तो पूछा जा सकता है क्यों, और कोई कहे ईश्वर ने अपनी मौज से बनाया है तो पूछा जा सकता है इसके बनाने के पहले उसे मौज न थी, दुखी था। कोई कहे कि लीला कर रहा है तो अकेला ही है, लीला किसके सामने हो रही। तो क्या कोई छोटा बच्चा है जो भटक गया है, जो रात के अंधेरे में अपने को ही ढाढ़स बंधाने को सीटी बजा रहा है। ईश्वर ने जगत क्यों बनाया, ये प्रश्न वैसे ही का वैसा रहेगा। और अगर कोई उत्तर भी मिल जाए तो सवाल उठेगा ईश्वर क्यों है, ईश्वर को किसने बनाया, क्या प्रयोजन होंगे,
इन प्रश्नों का कोई अंत ना होगा। एक प्रश्न और हजार प्रश्नों को अपने साथ ले आता है। धार्मिक व्यक्ति को यह बात बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए कि प्रश्न गिरेंगे तो प्रार्थना जन्मेगी, अगर प्रश्न बने रहे तो प्रार्थना कभी जन्म नहीं सकती।